आगे वाला मुखशालार मंदिर को मिलाकर 1200 कारीगर जिस समय बनाया सूर्य देव का के रौस जैसा डिजाइन करके बनाया। दूर से देखिए सर, आप लोगों को सूर्य रथ जैसा देखने के लिए मिलेगा। दोनों साइड में 7 घोड़ा और 24 चक्का रखा गया, 24 पहिया दोनों साइड में। उड़ीसार जगन्नाथ मंदिर समीपते थका এই সাগরখনিলৈ চাওকচোন। যেনেদৰে ঢৌৱে নাচি নাচি পাৰলৈ আহিছে আৰু পুনশ্চ ঘূৰি গৈ সেই সাগৰৰ পানীতে বিলীন হৈ গৈছে, আমাৰো যদি মনবিলাক এনেদৰে চাওকচোন কি সুন্দৰ কৰিলে। দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ যি নতুন দহটকীয়া নোটখন আছে, সেই নোটখনৰ লগত সূৰ্য মন্দিৰৰনো কি সম্পৰ্ক আছে আহকচোন অলপ জানি লওঁ। এজন গাইডে কেনেদৰে বিৱৰণ দিছে আহক। आगे देखिए मंदिर का मुखशाला प्रार्थना गृह और ठीक पीछे था कोणार्क का मेन मंदिर या गर्भगृह जो पूरा गिर चुका है। और पीछे उधर देखिए छोटा छोटा जो पिलर है वो सूर्य देव का किचन, जहाँ पहले सूर्य देव के लिए प्रसाद यानी खाना बनता था उसका टूटा हुआ अंश देखिए। और देखिए सर, आगे वाला मुखशाला और मंदिर को मिलाकर 1200 कारीगर जिस समय बनाया सूर्य देव का के रौस जैसा डिजाइन करके बनाया। दूर से देखिए सर, आप लोगों को सूर्य रथ जैसा देखने के लिए मिलेगा। दोनों साइड में 7 घोड़ा और 24 चक्का रखा गया, 24 पहिया दोनों साइड में। 7 घोड़ा सप्ताह में 7 दिन या सूर्य देव का किरण में 7 रंग होने से रखा गया, जो बाएं साइड में 3 और दाहिने साइड के आगे 4 घोड़ा का टूटा हुआ अंश देखने के लिए मिलेगा। 24 चक्का उत्तर में और दक्षिण में 12-12, वो भी एक महीने में 2 पक्ष होता है, साल में 12 महीने में 24 ही पक्ष के हिसाब से 24 चक्का आगे से पीछे तक दोनों साइड में। और बीच में बड़ा पिलर था, जो पिलर का नाम था अरुण पिलर या अरुण स्तंभ, जो सूर्य रथ का ड्राइवर के नाम के अनुसार था, वो गिनने के बाद लेकर पुरी में रखा गया। जगन्नाथ का दर्शन हो गया, देखा है अरुण पिलर कहाँ पर है? पिलर जो बड़ा स्तंभ कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर के आगे रास्ता के ऊपर जो बड़ा पिलर है वो पिलर कोणार्क का अरुण पिलर, और जगन्नाथ मंदिर के कंपाउंड में छोटा सा सूर्य मंदिर है, अंदर में कोणार्क का मूर्ति पूजा होता है। এয়াই আছিল সূৰ্য মন্দিৰৰ বিৱৰণ। ধন্যবাদ।